नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कान दर्द के लिए रामबाण घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कान दर्द होने के कारण। दोस्तों, कान में मेल जम जाता है जिसके कारण भी कान दर्द होना शुरू हो जाता है। सेकंड कारण है कान के अंदर कीड़ा चला जाना जिसके कारण भी कान दर्द होना शुरू हो जाता है। मच्छर चले जाने पर भी कान दर्द शुरू हो जाता है। थर्ड कारण है रात को एक साइड सोना जिसके कारण कान दबा रहता है और कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इन सभी के लिए मैं रामबाण घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके कान दर्द हो तो आपको कान के अंदर टोच करके देखना चाहिए कहीं कान के अंदर मेल तो नहीं है। अगर आपके कान में मेल है तब भी आपके कान दर्द होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में आप सरसों के तेल को हल्का गर्म करके एक दो या तीन से ज़्यादा बूंद नहीं डालनी है, तीन बूंद कान में डाल करके छोड़ दें। आपको सुबह डालो तो शाम को आप देखोगे कि जो मेल है वो इकट्ठा हो जाएगा और फिर आप आसानी से घर में निकाल सकते हो। जो आपको एक्सपीरियंस हो उसी से निकलवाना। अगर कान का पर्दा भी फट सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी को निकालना आए तभी निकालें, अदरवाइज ना निकालें। नहीं निकालना आए इसका भी मैं आपको, अगर आपके घर में कोई निकालने वाला नहीं है इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ऐसा आप करोगे तो कान का मेल निकल जाएगा और आपका कान दर्द ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड है मच्छर। मच्छर भी अगर आपके कान में चला जाए या फिर कीड़ी चली जाए तभी आप सरसों के तेल को डाल दें। ऐसा करने से ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो जाएगा जिसके कारण जो कीड़ी है मच्छर है वो मर जाएंगे और आपके कान से आसानी से आप निकाल सकते हो। या फिर आप कान में ऐसे पानी डालकर भी कीड़ी या मच्छर को निकाल सकते हो। और आपको सरसों का तेल तो डालना ही है हल्का गर्म करके ताकि वो कीड़ी या मच्छर है वो मर जाए। थर्ड कारण है अगर आप ऐसे ही सो रहे हो रात को एक साइड जिसके कारण कान दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में आप प्याज के रस को निकाल लें। प्याज के रस को छान करके थोड़ा हल्का गर्म करें और फिर दो या तीन बूंद कान में टपका दें जिस भी कान में आपके दर्द हो। ऐसा करने से कान दर्द में रिलीफ मिलता है। अब आपको मैं बताता हूँ अगर आपके घर में कोई मेल निकालने वाला नहीं हो कान का, इस कंडीशन में आप ENT के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आपके कान को वो साफ कर देंगे और आपके कान में आपके जो दर्द है वो रिलीफ आपको मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, नॉलेजेबल रही है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिले। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आप 99% मेरे चैनल को देखते हो फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों करते हो यार? कर दो ना, आपके छोटे भाई का चैनल है। आप वीडियो तो देखते हो ही, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपको मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। प्लीज़ सपोर्ट मी। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कौन सा उपाय किया है और आपको क्या रिजल्ट मिला है। और साथ में आप मुझे यह भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।